ये देखिए ये हमारी पहली ड्रेस है। सबसे पहले मैं आपको इसकी कुर्ती दिखाती हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से ये इसकी स्लीव्स पर पोटली बटन लगाए हैं और इसका नेक राउंड रखा है। राउंड रखकर यहाँ पर एक लेस लगाई है। ये इस तरह से फिर इस यहाँ पर डोरी लगाई है इसकी कमर पर। आप किसी भी तरह की कोई भी डोरी ले सकते हैं और इस तरह से दोनों साइड पर मैंने एक डोरी इधर से और एक डोरी उधर से लगाई है। आप इसको जितना चाहें अपनी मर्ज़ी के हिसाब से टाइट या लूज रख सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से इसका लुक आता है। नीचे से देख लीजिए आप, इस तरह से एक रिबन लगाकर उसके अंदर मैंने ये दोनों डोरियां इंसर्ट की हैं। इसी तरह से यहाँ साइड पर एक छोटी इलास्टिक का पीस कट करके एक इलास्टिक का पीस लगाया है। डोरी के एंड्स पर आप अपने हिसाब से अपनी मर्ज़ी के कोई भी टैसल्स अटैच कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये मल्टी कलर के टैसल्स लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए। ये देखिए ये इसका प्लाजो है, अम्ब्रेला कटिंग की गई है इसकी। आपके पास कोई भी फैब्रिक हो, आप चाहे तो इसे प्लेन से भी बना सकते हैं, या अगर आपके पास कोई फैंसी फैब्रिक है, एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक है, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कपड़ा चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास ये क्रिंकल्ड फैब्रिक है जो आजकल बहुत ट्रेंड में है, ये कपड़ा चल रहा है। अगर आपके पास प्लेन फैब्रिक है तो आप प्लेन फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने पोटली बटन्स लगाए हैं। अगर आप पोटली बटन्स नहीं लगाना चाहते, आप नॉर्मल जो बटन्स आते हैं छोटे वाले, आप वो लगा सकते हैं। ये इसकी स्लीव्स पर भी मैंने इस तरह से लेस लगाई हुई है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी लेस लगा सकती हैं। ये 10 से 12 साल की बच्ची के लिए एकदम परफेक्ट साइज़ है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए।